हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन कर प्लस टू सेकेंड इयर अकाउंटेंसी बुक रो जोटा कि थर्ड चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चैप्टर आमर रिवाइज्ड सिलेबस नाला जेहेतु ए वर्ष फुल सिलेबस हो जा तो ये चैप्टर तुम पुणी कौन होगा इनक्लूडेड हो गला। ये चैप्टर इनक्लूड करदे आमर किसी असुविधा ना बेस किसी मानने डिफिकल्ट मानने ये सी जिनस ना जे बड़ कम्प्लेक्स कम्प्लिकेटेड चैप्टर जे आमको बुझार किसी कष्ट सेमती किसी ना बहुत इजी चैप्टर जो भाई फाइनाल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट आम पढ़ी तो डिटो सेम प्रोसेस जस्ट टे डिफरेन्ट से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रहा अच्छे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर कि तुम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू रो। ओके तो ये चैप्टर आम पढ़ा पूर्व तुमको कौच आमर नुआ सार जड़े ये चैनल पढ़ेबे आउ संग्राम सार बोली करी तो से सार आम मैथमेटिक्स पढ़ेबे। ओके तो प्लस टू सेकेंड इयर मैथमेटिक्स से पढ़ेबे से माने मु जा पढ़ाऊ मैथ से ताठ माने बहुत भल पढ़े तो से सारे मैंने स्पेसीफिक जे साइंस टीचर से मुझे कहले सारे मुझे मैथमेटिक्स पढ़ेबी भलसे तो से मैथ से पढ़े केवल प्लस टू नुहे प्लस थ्री मैथमेटिक्स भी से पढ़े। ओके तो आम प्लस थ्री भी वीडियो अपलोड हे आउ तो प्लस थ्री से सारे मैथमेटिक्स पढ़े आ तुम मैंने केमती फीडबैक दौ कौन कर विषय देखा। ओके आम हाँ आउ कौन एथे मुझे वीडियो सब अपलोड करुच्ची जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट सब अच्छे तुम्हें जाइए देखिपार अकाउंटेंसी है मैथमेटिक्स है तुम हूँ बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट है तो सबुति प्लेलिस्ट की जाइए खोज सब वीडियो तुम्हें पाइब तुम्हें कौन कर रैंडमली खोजु सेमती पाइबा कष्ट बहुत सारा वीडियो जेहेतु अच्छी सेमती मिलवा तुमको टी कष्ट हम प्लेलिस्ट तले मुझे सबूक लिंक दौर तुम्हें जाइए सेटू भी देखिपार और डायरेक्ट तुम्हें प्लेलिस्ट को जाइए यूट्यूब जो चैनल प्लेलिस्ट की तुम्हें जाइए देखिपार। ओके तले भी लिंक मुझे देदे प्लेलिस्ट लिस्ट तुम्हें सेठ भी डायरेक्ट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पर क्लेम कले मैंने क्लिक कले तुम्हें जाइए डायरेक्ट से जगह पर पहुँच। ओके गला तो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली कौन तो ये विषय आम डिस्कशन करवा आराम से पढ़े धीरे धीरे जिनस को भलसे बुझी बुझिका जीव ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डज नॉट डील इन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड इट ऑपरेटेड फॉर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल रेदर देन बेनिफिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर और अ ग्रुप ऑफ पार्टनर्स। ताले मु तुमको ये डायरेक्ट एग्जांपल आगे आरंभ करुच्ची देखो ये हेडिंग अच्छे कौन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ता माने ये तो गोटे ऑर्गेनाइजेशन माने आर्टिफिशियल पर्सन। ओके आर्टिफिशियल पर्सन किंतु ये एथिरे एक्टिविटीज भी होची ट्रांजेक्शनस होची किंतु एटा प्रॉफिट मेकिंग रे होनो थिबो जेमती कि होची तुम एग्जांपल दे धरिबा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रो जेमती गोटे स्कूल है चैरिटेबल स्कूल है टेम्पल है मस्जिद है चर्च है गुरुद्वार है और एनजीओ टाइप रे तुम्हें देखी पार्थ तो से टाइप रे ऑर्गेनाइजेशन रे कौन होची ना एथिरे एमन तो माने एक्टिविटीज तो होची किंतु गुड्स परचेज सेल होने किसी सर्विस प्रोवाइड करथै परंती। ओके किंतु ऑब्जेक्ट रोज कौन माने प्रॉफिट अर्न करी ऑब्जेक्ट रोने जमी मन कर तुम गोटे टेम्पल को देख टेम्पल रे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते जिनस किणा हो भोग किणाला किणाला फूल किणा होर बहुत सारा एक्टिविटीज भी होती बहुत सारे प्रोग्राम भी टेम्पल रे होती। ओके तो से खर्च भी तो हो कि खर्च गुड़ाक कौन हो इनकम तो आसुव ना इनकम मीनस डोनेसन इनकम मीनस कौन हो डोनेसन रिसीव हो देखिव तुम्हें भी जाइए किसी डोनेसन कर भेटी दौ जो गुड़ाक सब। ओके से भी तो से जेनेल डोनेसन अंडर रही के कई लोक स्पेसीफिक डोनेसन भी कर गवर्नमेंट रू कि ग्रांट्स भी मिलू। ओके तो बहुत सारे वे कौन हो इनकम भी होने रेवेन्यू रिसीप्ट बहुत सारे ट्रांजेक्शन से मैंने ट्रांजेक्शन होता सहित किसी एक्सपेडिचर भी हो जो पुरोहित मैंने पूजापाठ कर किसी मिलता पाए जो स्टाफ भी थे जो अकाउंट्स फाकाउंट हिसाब पत्र रखु थे देखिए जगन्नाथ मंदिर पुरी तो से बहुत बड़ ऑर्गेनाइजेशन से बुझे से बहुत सारे एमती डोनेसन भी मिलू आ बहुत सारे एक्सपेंडिचर भी होटा सब रेकर्ड भी तो हवा दरकार ना तो तार भी मैंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कौन है रेकर्ड भी तो हम कि ऑब्जेक्ट ना जे प्रॉफिट अर्न करवा एक्चुअली सोसाइटर किसी पर्टिकुलर सेक्टर रे डेवलपमेंट करिया पाई जमीती एग्जांपल कहबी गोटे स्कूल है
स्कूल कौन करुच्छे पिला पढ़ेबा ऑब्जेक्टिव से एस्टाब्लिशमेंट हो चैरिटेबल स्कूल कथा कहे जो प्राइवेट स्कूल जो गुड़ा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मुझे विषय में कहना ओके तो एमती ताले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन ओवरऑल तुमको आइडिया आसी जाए भी तार मीनिंग आम पढ़ा ओके देख कौन लिखा है मीनिंग रे ए लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी व्हिच रेंडर्स सर्विस टू इट्स मेंबर इज टर्म एज नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ओके इन एवरी सोसाइटी टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड जनरली आम टू टाइप्स ऑर्गेनाइजेशन गोटे प्रॉफिट मेकिंग आउट नॉन प्रॉफिट मेकिंग किंतु एठी कौन केमती क्लासिफाई होती दिज ऑर्गेनाइजेशन आर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आउट हो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन द फॉर्मर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ताकू तो आम कहते कौन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन जोटी कौन हो गुड्स परचेज होउची पुनी सेल होउची तो से हमें कौन बोली कहते प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और द लेटर ऑर्गेनाइजेशन रेंडर सर्विस विथ और विदाउट प्रॉफिट देखो जिते सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रायत सब सर्विस प्रोवाइड करुँचु सर्विस रे भी आम देखुं कौन गोटे बैंक भी तो सर्विस प्रोवाइड करुँचु बैंक तो प्रॉफिट मोटिव रन करुच्ची ना ओके तो किंतु एमती किसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जोड़ाक तो सर्विस प्रोवाइड किंतु प्रॉफिट मोटिव रे नुहे एक्चुअली सर्विस से प्रोवाइड कर मैंने गोटे नॉन प्रॉफिट मोटिव रे ओके तो ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो भी सर्विस प्रोवाइड कर बदल रे जो भी चार्जेस नौ फीस नौ बहुत कम बुझे जमी गोटे क्लब तुम्हें मेम्बरशिप नेल क्लब कौन प्रॉफिट मोटिव रन कर क्लब ऑब्जेक्ट कौन जो भी पर्टिकुलर सेक्टर मैंने क्लब हो तो क्रिकेट क्लबटा मन कर क्रिकेट फिल्ड रे मैंने यंग मानकर किमिति डेवलपमेंट हम क्रिकेट किमिति भल परफॉर्मेंस करिवे तांकर खेल रे किमिति किछि डेवलपमेंट हम ए सब जिनस रे तांको कोन करूची हेल्प करूची ओके तो ये हैला तुम्हारो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ओके तापरे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तळे भी लेखिछि देखो एटी देखी देखि पारथिबो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिनोट्स ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मड फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स साइंस रिलीजन किसी भी हो पाए मैंने कौ भी सेक्टर पर आम एस्टाब्लीशमेंट कर देखि तुमर तो जमी रिलीजन टेम्पल मस्जिद चर्च एगुटा सब देखु तुम कमर्स मैंने किसी सर्विस सेक्टर को डेवलपमेंट करने देखि चाइल्ड वेलफेयर पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लीशमेंट करा बहुत सारे ओल्ड एज लोक व्यवस्था करा ये सब हूँ ऑर्गेनाइजेशन कौन केवल सर्विस मोटिव एस्टाब्लीशमेंट होती बाहर लोक पब्लिक मानों ठूँ डोनेसन से ऑर्गेनाइजेशन चली नॉर्मली या तो होके okay? गला तेल ये सब एग्जांपल्स देख जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हें देखिपार गला कैरेक्टरिस्टिक्स कौन अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स देख नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रे इट हाज एंटिटी कॉन्सेप्ट एंटिटी मीन बिजनेस अलग ओनरशिप अलग जो कॉन्सेप्ट पढ़ी फर्स्ट ईयर क्लास इलेवेन्थ रे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बिकॉज इट ऑपरेट तार जो मेंबर माने रहिले मेंबर माने सेतिरे बस मेंबर किंतु ऑर्गेनाइजेशन रो ऑब्जेक्टिव अलग थिबो बुझौछि तो एथिरे तो मेंबरशिप आबो जो ऑर्गेनाइजेशन तिरे सेपरेट जिंस ओके इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर और बेनिफिशियरी जो मैंने मेंबर थे जमी गोटे क्लब है क्लब मेंबर्स मैंने थे टेम्पल है टेम्पल रो गोटे पर्टिकुलर से जो रिलीजन मैंने लोक मैंने इनवल्व थे ओके सॉरी तार कौन हो डोनेसन बाहर मिलू बाहर मीन पब्लिक मानक आउटसाइडर मानकू डोनेसन को आम पुणी क्लासीफाए कर आगे गले दिज ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड एंड इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव इट्स मेंबर एथेरे मेंबर मैंने भी इनवल्व थे रिप्रेजेंट करुवे जो भी मेंबर्स मैंने थे देखि तुम्हें टेम्पल मस्जिद रे जमी तुम रथ टणा जावा पूर्व कौन हो आगे मीट हो बोर्ड मैंने सब जिते सब मेंबर मैंने अच्छा से मीट में इनवल्व रोचे बुझे तो ये हूँ तुम कौन ना हूँ दिज ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ और मेंबर्स ऑफ मेंबर्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट देखो आम जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रे आम देखुले कौन गोटे पीएल अकाउंट प्रिपेरेसन करुले पीएल अकाउंट रे जी एक्सपेंडिचर साइड मैंने इनकम साइड मैंने लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंडिचर साइड मीन डेबिट साइड राइट हैंड साइड इनकम साइड जो क्रेडिट साइड बोले कहते दीपटू कंपेयर करुले जदि इनकम साइड अधिक होता आम कहते कौन नेट प्रॉफिट बोली कहते मैंने हाँ नेट प्रॉफिट जदि एक्सपेंडिचर साइड अधिक होता नेट लॉस बोली आम कहते ओके ये जिनस मन अच्छी तो ये से कौन बोली कदि इनकम साइड अधिक सरप्लस प्रॉफिट बोली सरप्लस ओके आदि एक्सपेंडिचर साइड अधिक कहला कौन डेफिसिट
माने एक्सपेंडिचर जदि एक्सीड करिगला इनकम को ताले तक हमें कोन एठी कहबा डेफिसिट माने शॉर्टेज ओके गला तापर नेक्स्ट अकाउंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट और मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिपेयर ऑन एक्चुअल बेसिस एक्रुअल बेसिस मींस खाली कैश बेसिस रे नहीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी सेतरे रिकॉर्ड को जाउछि किंतु नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे कोन ना होची कैश बेसिस सिस्टम टाको किंतु एठी हमर जो अकाउंटिंग सिस्टम रे आमे देखु जों कोन एक्चुअल बेसिस सिस्टम अनुसार आमे रिकॉर्ड करछु एको तुमे देखि दिबो लेखा अछि ओके तो देन हला बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रे गुडे ऑर्गेनाइजेशन धरि ने स्कूल हला टेंपल हला मस्जिद के भी उठ ऑर्गेनाइजेशन कोन सब अकाउंट्स प्रिपरेशन सेतिर होउची देखो आमर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रे मुझे पूरा एमती कहि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिनोट ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अन प्रॉफिट बट टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर ये तो है तार मीनिंग तुम लिखि पार एग्जाम वन मार्क क्वेश्चन जब पढ़ला अजमोस्ट ट्रांजेक्शन अफ दिज ऑर्गेनाइजेशन आर इन कैश प्राय सब ट्रांजेक्शन कैश रे ही थाए ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली मेंटेन कैश बुक ताले कैश बुक तो रिकॉर्ड होतबो नॉन प्रॉफिट कैश बुक को एठी कोन बोली कहा होची जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रे जो कैश बुक को एठी हम तो कहउछन कोन रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट गोटे प्रिपेरेशन हमें करउछन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रे हमें कोन कहउथले गोटे सब्सिडियरी बुक्स अंडर रे हमें रखुथले कैश बुक प्रिपेरेशन करउथले एठी हमें कोन करउछन से कैश बुक बदल रे हमें एठी कोन लेखुछन रिसीप्ट पेमेंट ताले रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट आ सिमिलर होउछ का सहित कैश बुक सहित ओके बोला रिसीप्ट साइड गोटे रहइबो पेमेंट साइड गोटे रहइबो माने लेफ्ट हैंड साइड टा रिसीप्ट साइड राइट हैंड साइड टा पेमेंट साइड ओके बोला तापर कैश बुक ऑफ ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज पॉपुलरली नोन एज रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट ये तुम जान ले द रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ओके तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट नॉर्मली तुम अकाउंटिंग पीरियड रे एंड रे ही प्रिपेरेशन करा जाए द लेफ्ट हैंड साइड ही कला तो जानगले आम लेफ्ट हैंड साइड टाक आम कौन कौन ना तुम रिप्रेजेंट एज ए वेरियस रिसीप्ट एंड राइट हैंड साइड ही हो तुम पेमेंट्स रिप्रेजेंट एज वेरियस पेमेंट्स बुझे एठी एठी तुम रिसीप्ट पेमेंट अकाउंटा तुम्हें प्रॉफिट लॉस अकाउंट सहित कंपेयर करनी रिसीप्ट पेमेंट अकाउंटा कैश बुक सहित सिमिलर माने लेफ्ट हैंड साइड टा रिसीप्ट साइड राइट हैंड साइड टा पेमेंट साइड ओके इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेफ्ट हैंड साइड टा एक्सपेंडिचर साइड राइट हैंड साइड टा इनकम साइड किंतु रिसीप्ट पेमेंट रे हमर लेफ्ट हैंड साइड टा रिसीप्ट साइड माने ऑर्गेनाइजेशन जो भी सब इनकम रिसीव जो भी अमाउंट रिसीव करथिबो कौ भी हेड रहता ना कहीं से सब रिसीप्ट साइड रे पड़ आ कि भी पेमेंट होते से सब कौ साइड रे पड़ ना हो तुम राइट हैंड साइड रे पड़ ओके गला ताले बिसाइड्स द कैश बुक एंड रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट दिज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द फॉलोइंग बुक्स कौन कौन आउ ताले प्रिपेरेशन करुच्चे आम पढ़ा गोटे गोटे को गोटे मेंबर्स रजिस्टर माइनर्स बुक आउट है स्टॉक रजिस्टर यार गोटे गोटे मीनिंग कौन बुझा मेंबर मैंने तो देखिक जाणीगले तो मेंबर हूँ कौन से जो मैंने मेम्बरशिप नहीं थे मनकर गोटे क्लब अच्छी क्लब जिते मेम्बर्स थे तो से मेम्बर मैंने मेम्बर मानक रेजिस्टर गोटे पर्टिकुलर क्लब कौन कर मेम्बर मानक रेजिस्टर डिटेल्स रेकर्ड करके रखुवर नेम डिटेल्स आड्रेस जहाँ सब थी तार डिटेल्स रेकर्ड करके रखला से मेम्बर मानक रेजिस्टर ओके माइनोट्स बुक माइनोट्स मीन ये कौन बुझे आम माइनोट्स मीन ये बुझा गोटे ऑर्गेनाइजेशन जेतु सेतरे बहुत सारे मीटिंग भी होतबो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हेले भी सुधा मीटिंग तो होतबो जो मीटिंग रे कौन डिस्कशन हला कौन नाई जो एजेंडा हमें जानिचंती माने डिस्कशन करचंती सेडा सेतरे रिकॉर्ड करके रखिया को हमें तो कहउचंती कोन माइनोट्स बुक ओके माइनोट्स बुक डिनोट्स ए रिकॉर्ड ऑफ वेरियस प्रोसीडिंग्स इन द जनरल बॉडी मीटिंग ओके आराम से मन रहिजबो कौन मीटिंग रे डिस्कशन हला कौन डिसीजन नियाला सबडा रिकॉर्ड हेकि रहइबो स्टॉक रजिस्टर कौन स्टॉक सेपरेट बुक्स ऑफ रजिस्टर इज मेंटेन फॉर फिक्स्ड एसेट सच स्टॉक रजिस्टर हेल्प इन नोइंग द एसेट परचेज्ड कंज्यूम्ड प्रेजेंट बैलेंस केते अछि ता माने आमे स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन करचोंती फॉर सब जते सब रहला तुमर स्टॉक माने एसेट से हिपर किछ भी हेतै परे ताको आमे कोन करचोंती रिकॉर्ड करिक सेतिरे रखुचोंती ओके तो ये गला तुम कौन 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 सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड होउछि मन रहिजबो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेरेशन करिबा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेरेशन करिबा ता सहित तुम गोटे मेंबर मानक रजिस्टर आउ होउछि तुम कौन माइनोट्स बुक आउट है स्टॉक रजिस्टर गला तापर ये तो बेसिक जिनस आम जान लें जे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सब ऑर्गेनाइजेशन जमीक स्कूल टेम्पल चर्च टर्च मस्जिद जहाँ थी चर्च मस्जिद जहाँ थी से सब AIR रेकर्ड करके
देन फाइनाल अकाउंट्स ये कौन कौन प्रिपेरेसन आमर जमी से फाइनाल अकाउंट्स कहले आम ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बैलेंस सेठी बुझुते सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रे जोटा जोटा ट्रेडिंग पीएल जो इनकम स्टेटमेंट से कौन बोली कौन कहल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओके ताले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटा सिमिलर हो सहित जमी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देखुले प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रो जो पीएल अकाउंट सहित ओके ताले एठी कौन कौन देख मोस्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर कैश ट्रांजेक्शन ऑलरेडी आम जानते देयरफॉर दे नीड द नॉट मेंटेन इन मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ ट्रेडिंग कंसर्न हैविंग टू मेंटेन हाउएवर दे डू नॉट डू मेंटेन ए कैश बुक मिनिमम नंबर ऑफ सच अदर बुक्स व्हिच मे बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक मैंने रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट जो करा कहते टोटल पर कौन कौन रेकर्ड हो देख गोटे रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट देखिपुर थोड़ा फास्ट प्रिपेरेसन हम आईटा सिमिलर होती प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक सहित सामान ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आम से कौन कौन रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बुझे रिजल्ट आसो कौन सरप्लस और डेफिसिट जमी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आम देखुले कौन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस रिजल्ट आसला पीएल अकाउंट रे प्रॉफिट लॉस अकाउंट रे हमें प्रिपेरेशन कर जानते तो से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस रिजल्ट आसला एसब कौन सरप्लस और डेफिसिट आईटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल अकाउंट सहित मैंने कंपेयर करें देन है बैलेंस शीट रिसीप्ट बैलेंस शीट तो तुम्हें जाच बैलेंस शीट रे आम से प्रिपेरेसन करुले से बाकी तक से खाली कैपिटल बोली लिखी दूसरे ये कैपिटल फंड बोली लिखा कौन लिखा कैपिटल फंड ओके कैपिटल फंड ये तो आम जाणीगले बस देन रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बहुत इजी सबुटा मन रखुव मुझे जो कहली तो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट सिमिलर टू हूँ कौन तुम कैश बुक सहित आईटा गोटे रियल अकाउंट यहाँ गोटे रियल अकाउंट मैंने कम सीन हो गोज आउट हो दुटा जिनस रेकर्ड हो हेड्रे सब मानने कौन होम पाख क्या आसी क्या फर्म बैंक फर्म आसी आर कौ कौ फर्म ओके गोज आउट तो यहाँ टोटाली पर जिते आम रिसीव कर रिसीप्ट आते पेमेंट्स कर पेमेंट सैड्रे पड़ो आठ पुणी आम पी कौन ना रिसीप्ट को आम एमती कहीपर गोटे रेवेन्यू रिसीप्ट आ गोटे कौन बोली कहीपर कैपिटल रिसीप्ट से भाई पेमेंट्स को आम एमती कहीपर रेवेन्यू पेमेंट्स कैपिटल पेमेंट्स नर्माली तो या करा आम तो रेवेन्यू रिसीप्ट मैंने कौन जो डे टू डे रनिंग रिसीप्ट गुड़ाक जो जनरल पर्पज में आम जो गुड़ा सब रिसीव करूँ कैपिटल रिसीप्ट मैंने कौन स्पेसीफिक टाइप मनकर मु गोटे क्लब को गली मनकर सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट प्लेयर सी मनकर छोटे जो क्लब खेलुला से क्लब को गला एका जा कौन कला ना बहुत सारे डोनेसन देदेला गोटे स्पेसीफिक डोनेसन देदेला जे ग्राउंड रे जिनस सब डेवलपमेंट हाँपाई ओके ताले एठी कौन है सेटा स्पेशलाइज्ड होगा तो सेटा स्पेसिफिक रिसीप्ट होगा तो सेटा कैपिटल रिसीप्ट मैंने किसी ग्रोथ डेवलपमेंट से यूज हम से जो डोनेसनटा ओके तो से रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट आ गए कैपिटल पेमेंट्स कैपिटल रेवेन्यू पेमेंट्स आउट हम कौन कैपिटल पेमेंट्स रेवेन्यू पेमेंट्स मैंने जो जनरल डे टू डे जो गोटे मन गोटे टेम्पुल है टेम्पुल कौन थो भोग किणा हो अलग किसी सजा सजा जिनस किणा हो फुलफुल तो ये सब जनरल एक्सपेंडिचर सब डेली हो तार जो सैलरी फैलरी जी कई स्टाफ थे दिह ओके टेम्पुल भी तो स्टाफ रोचना तो सैलरी फैलरी दिह तो ये सब हूँ कौन तरह ना हूँ रेवेन्यू पेमेंट्स गुड़ाक कैपिटल पेमेंट्स मैंने किसी बिल्डिंग बनाहला कौन है तो ये टाइप खर्च किसी मेसीनारी कि एसीपीसी किणी लगाला तो सेड़ा सब कैपिटल पेमेंट्स अंडर रोके गला एक तुम एवं डिटेल्स पढ़ीदार आराम से किसी असुविधा हेनी मुझे देखा देख युव हूँ तार एपट सैड है रिसीप्ट सैड राइट हैंड सैडटा हूँ पेमेंट सैड रिसीप्ट सैड वर्ष आरंभ जो क्या बैंक बालान्स थी ये आगे पकेब कारण से अलरेडी आभेलेबुल तुम पाखे अच्छी ओपनिंग फर्म ओके तो सैटा आगे पड़ा तापर जिते सब रिसीप्ट हो जो जो हेड्रे सब रिसीप्ट होगा गोटे गोटे बुझे दूँ ये तुमको आगे का कष हेनी रिसीप्ट फास्ट लिखी सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन मैंने कौन जो मेम्बर मैंने थे मनकर मु राम मंदिर सब्सक्रिप्शन नहीं तो राम मंदिर को कौन करी ना मु प्रति वर्ष मनकर दस हजार टाँह दौर आज मेम्बरशिप जेहेतु मेम्बरशिप नहीं प्रति वर्ष कौन करुच्चे कंट्रीब्यूट करते 10,000 10,000 ओके okay. तो ये
प्रतिवर्ष मुझे 10,000 10,000 दूसरी कि लास्ट इयर मुझे 5,000 दे आ 5,000 दे नी तेल अर्गानाइजेशन से कौन थी एरियर था ए बर्ष रिसीव कर मैंने मुझेदेली चलो ए बर्ष रिसीव हो पक रिसीप्टे कि लास्ट इयर दे नी से एरियर था से रिसीव कला मैंने मुझे पेमेंट कली अर्गानाइजेशन रिसीप्ट है यदि करेन्ट इयर जीतीकी करेन्ट इयर जो 10,000 करेन्ट इयर भी देडभांस भी देदेज नेक्स्ट इयर पर 5,000 दे मनकर तेल ये एडभांस पड़ो तमाने मेंबर जो मैंने थे से एनुअल फॉर्म रे किसी पीरियडिकल फॉर्म रे कंट्रीब्यूट करें आम ये सब्सक्रिप्शन कहते आम पढ़ा सब्सक्रिप्शन रो डिटेल्स पढ़ा अच्छी सब्सक्रिप्शन से तार प्रॉब्लम क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन दुटा जाक पढ़ू तो ये है रिसीप्ट पेमेंट रे सब सब्सक्रिप्शन खाली तार ओवरऑलटा कहूँ तो मान्य हो ओके तापर नेक्स्ट जनरल डोनेशन ऑलरेडी मुझे कही सारी जमी गोटे टेम्पल है टेम्पल को जिते लोक आसुच्च सब डोनेसन दूसरी मैंने कि गोटे स्पेसीफिक ऑब्जेक्टिव नुहे एमती नॉर्मल डोनेट करके जाऊँ जो दे जाऊँ तो सहीटा है कौन जनरल डोनेसन आगे स्पेसीफिक डोनेसन स्पेसीफिक डोनेसन टा कैपिटल रिसीप्ट अंडर में रुझे स्पेसीफिक डोनेसन जोटा से कैपिटल रिसीप्ट अंडर में रही है स्पेसीफिक फंड रिसीप्ट ये से किसी स्पेसीफिक ऑब्जेक्टिव जी रिसीव हो सेल ऑफ वर्ल्ड न्यूज पेपर गवर्नमेंट रु जब ग्रांट मिलू सी भी रेवेन्यू रिसीप्ट मन रखे कौटा रेवेन्यू कौटा कैपिटल प्रोसीड फ्रॉम लेक्चर्स प्रोसीड फ्रॉम लेक्चर मैंने से कौन बुझीपार मनकर गोटे टेम्पल है टेम्पल को जड़े किसी बड़ बड़ धरण बाबा किसी गोटे स्पेसीफिक फिल्ड में डेवलपमेंट करते सी गले स्पीच दे लोक आसिकले टिकेट काटिक देखापी तेल ये कौन है से लेक्चर रु प्रोसीड सी है एमती बुझीपार तुम्हें ओके तेलटा रिसीप्ट होगा तापर सेल ऑफ ग्रास जदि क्लब हो क्लब ग्रास फ्रास जी ग्रास को तुम घास फास अच्छी बिकिदेल इमें बारवाटी स्टाडियम देखु थो घास बिक्री होता कौन होगा सेटा गोटे रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट बुझे से प्रति वर्ष केत थर भी हो तो यहाँ रेवेन्यू रिसीप्ट से भाई देन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ईयर मिसलानियस रिसीप्ट एमती एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक तुम्हारे जो ईयर बुक रे मनकर राम मंदिर प्रत वर्ष बही जाऊँ से बही भितर जी कहीं एडवर्टाइजमेंट कले तेल से टेम्पल रोटे इनकम हम मानते रेवेन्यू रिसीप्ट गणा प्रत वर्ष होता मिसलानियस रिसीप्ट अदर रिसीप्ट तो ये सब है रेवेन्यू रिसीप्ट उपर पार्टा जो पढ़े तौ पार्टा कौन अच्छी कैपिटल रिसीप्ट देखिपार कैपिटल रिसीप्ट फास्ट लिगासी लिखा अच्छी यार सब गुड़ाक मिनिंग तले लिखा अच्छी मुझे खाली ये बोराल तुमको बुझाऊँ या मान्य हूँ या ओके लिगासी कौन जदि मनकर एबे मुझे पढ़ाऊँ मनकर बड़ा मैंने इनकम बहुत कली इनकम कलापर मुझे कौन कली लास्ट में मोर मनकर पिलापिली कई रे मु मो प्रपर्ट कौन कली लास्ट में मैंने डेथ जीवा पूर्व मुझे कल ना मो प्रपर्ट की सब डोनेट कर देखि बहुत सारे वयस्क लोक निजर प्रपर्ट कौन कर दान करदे ओके पिलापिली सेमती कई लिगल ना तो सी कौन कर डोनेट करदे जाऊँ तो ये लिगासी जब स्पेसीफिक ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल रिसीप्ट बुझे नर्माली आम लिगासी की विल डोनर जोटा से कौन बुझे कैपिटल रिसीप्ट किंतु जदि सेमती किसी बहुत भेरी स्मॉल अमाउंट हो मेंशन कर रेवेन्यू पर्पज यूज हो तो रेवेन्यू किसी यदि कही आम नर्माली बुझुच्च कौन कैपिटल रिसीप्ट ओके विल डोनर कई जन लोक मरिया पूर्व तार प्रॉपर्ट कौन कर पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करके जा तापर एंट्रेंस फीस ये जो मेंबर मान कि एंट्रेंस फीस भी दे थी पारती बुझे जो फास्ट जो एंट्री कर एंट्रेंस फीस आकार किसी दे थे तो ये है एंट्रेंस फीस से कैपिटलाइज्ड नॉर्मली कैपिटलाइज्ड यदि क्वेश्चन मेंशन कर टोटल मनकर जन मेंबर 100 टाँह देती तादर मनकर 20% हूँ कौन रेवेन्यू आउ रेस्ट 80% हूँ कौन कैपिटलाइज्ड तेल ये कौन है एंट्रेंस फी है तुम कैपिटलाइज लाइफ मेंबरशिप फीस एट ए टाइम थोड़े अमाउंट दे थो पूरा लाइफ टाइम पर मेंबरशिप नहीं जाइ तो यहाँ है लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी कैपिटलाइज्ड एंडोमेंट फंड रिसीप्ट किसी स्पेसिफिक फंड तुम जब क्रिएट कर फंड ऑब्जेक्टिव जी आउटसाइड रु किसी से भाई फंड को मिली थी बुझे तेल से कहूँ कौन एंडोमेंट फंड रिसीप्ट ओके स्पेसिफिक फंड रिसीप्ट ये भी सही टाइप रहा कि आम फंड क्रिएट कर बिल्डिंग फंड है स्पोर्ट्स मैंने एक्टिविटीज फंड गोटे क्रिएट कर बुझे आनुआल एक्टिविटीज जो हूँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कौ भी ऑब्जेक्टिव रे फंड क्रिएट करा है फंड क्रिएट करें कौन आम मैंने ऑर्गेनाइजेशन तो किसी इन्वेस्टमेंट करते तो बाहर भी डोनेसन मिल ओके तो ये जी स्पेसीफिक फंड हो तुम कैपिटलाइज हे कि रिसीप्ट अंडर में रहा इंटरेस्ट ऑन स्पेसीफिक फंड
सेथरु जो इंटरेस्ट भी मिलिबो सी भी से कैपिटलाइज्ड बोली गणा जीवो ओके इन्वेस्टमेंट हेतै पर किछ भी हेतै पर इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट जोटा कि आम कौन करछंती माने करो हमर गोटे फंड क्रिएट करछंती कौन बिल्डिंग पई माने आगो को आम गोटे बिल्डिंग बनैबा सेति पई एबेटु फंड क्रिएट करछंती आ से फंडटा कौन करछंती बैंक रे डिपोजिट रखि दैछंती से टंकाटा को ताले टी कौन हैला तो सेथरु हमको मिलिबो इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी सेथरे ऐड हेजिबो बुझे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड से भी कैपिटलाइज्ड बोली गणा जीव सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट से भी तुम कौन हम कैपिटलाइज्ड फिक्स्ड एसेट सेल हो बैंक रु जदि तुम्हें किसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रे लोन कर से भी से रिसीप्ट हम कि कैपिटलाइज्ड बोली गणा जीव ओके देन से भी पेमेंट साइड रे देखो रेवेन्यू पेमेंट से सब थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ये सब दे स्कूल टेम्पल मस्जिद चर्च कौन भी होता है सैलरी जी मिलू स्टाफ मान दिखा पोस्टिंग एंड स्टेशनरी पोस्टेज एंड टेलीग्राफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंश्योरेंस ग्राउंड रेंट ग्राउंड रे रेंट देते आम मन करो गोटे स्कूलटा मन करो स्कूल निजर फील्ड ना सी अन्य का फील्ड में नहीं कि स्पोर्ट्स आक्टिविटीज कर तो से किसी चार्जेस देवा पड़ी ग्राउंड रेंट देवा पड़ी कौन कर भी कि आक्टिविटीज जदि आमको रेंट देवा पड़ स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो तो ये कौन है ग्राउंड रेंट से भी तुम गोटे रेवेन्यू पेमेंट्स हारमोन कौन ओनरियम टू सेक्रेटरी एमती कई हूँ आम ऑर्गेनाइजेशन को आसी किसी सम्मान आम कि आक्टिविटीज कर देखी थो बहुत सारे तुम स्कूल कलेज किए सरपंच किए मानने तहसिलदार किए हो तुम एमती मिनिस्टर भी जाऊँच तो से कौन होती तुम्हें किसी खर्च भी कर तो एमती किसी भी होता है कौन तुम ओनरियम टू सेक्रेटरी खर्च बोली आम टाइटल दौरान ओके ये भी सही रेवेन्यू पेमेंट अंडर में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तुम कि स्टाफ मन करो कुआडे जबार अच्छे कौन करर्च होतापर एडवर्टाइजमेंट ऑडिट फीस न्यूज पेपर मैगजीन किणा हो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स जदि आम कि लोन आगर कर इंटरेस्ट दौरान से रेवेन्यू पेमेंट्स चैरिटीज ये सब रेवेन्यू पेमेंट्स देन पिकनिक एक्सपेंसेस ये गला देन कैपिटल पेमेंट्स कौन कौन रोक देख लाइब्रेरी बुक्स जदि मन कर गोटे क्लब क्लब बुक्सटा किणला तार गोटे आसेट होगा ना तो लाइब्रेरी बुक्स परचेज अफ लैंड बिल्डिंग जी ऑर्गेनाइजेशन लैंड बिल्डिंग परचेज करपर फर्नीचर ये सब रोम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब क्लब होती है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट किणाला ये सब कैपिटलाइज्ड मैंने कैपिटल पेमेंट्स सब बदल में जोटा होके तो ये होगा तुम कौन लास्ट को दीपट को आम कंपेयर करवा नॉर्मली को पोर्ट साइड अधिका रहइबो डेबिट साइड अधिका रहइला माने जो टंकाटा बळिकला सेटा निजो पाखर थाई पारे और नले बैंक रे डिपॉजिट करिके रखे थाई परांती और जदि तुमर क्रेडिट साइड अधिका हिगला माने राइट हैंड साइड ता जदि राइट हैंड साइड अधिका होला जदि लेफ्ट हैंड साइड हेला तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक आमे लखुचंदि जदि राइट हैंड साइड अधिका हिगला ताले हेटी कोन होबो ता माने बैंक रु लोन अछि अधिक हमर एक्सपेंडिचर साइड ना लेफ्ट हैंड साइड ता राइट हैंड साइड अधिका अछि माने कोन हमर खर्चटा अधिक अछि तो हेटी कोन होबो हूँ बैंक लोन आकार पड़ा बुझेगा तेल एया हूँ तार प्रोसेस ताने आमको फास्ट रिसीप्ट पेमेंट क्वेश्चन रे थोथ कौन इनकम एंड से आमको रोला ना गोटे ट्रायल बैलेंस दूसरा तले एडजस्टमेंट दूसरा कहला फाइनाल अकाउंट्स प्रिपेरेसन कर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस तो ये भी से गोटे रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट आम क्वेश्चन में दौर कौन कौन तुम्हें प्रिपेरेसन कर कौन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस एमती किसी इनफर्मेसन थी ओके गला तापर फीचर्स ऑफ रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट एक भी डिटेल्स करके आम पढ़ा एक डिटेल्स करके आम पढ़ा ओके फीचर्स ऑफ रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट देखिपु पिले एथिरे जो फीचर्स लिखा अच्छे बहुत इंपोर्टेंट एक भलसे शुण मुझे गोटे बुझे बुझे पढ़ाई जी इट इज ए समरी ऑफ कैशबुक ऑलरेडी जानते कैशबुक समरी टाइप आम प्रिपेरेसन कर All receipts are shown on the debit side and all payments are shown on the credit side. First point hai gala. It starts with the opening balance. To first opening balance hum pakar jodi jo ta available thibo hame opening balance ra arambha karuchanti. Ends with the closing balance. Okay. It is means cash and bank transaction are merged in one column. The receipt in cash and the by checks are entered in the debit side. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी अमाउंट रिसीव करुच्ची इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक रिसीप्ट जदि होता डेबिट साइड रे पड़ो आ से भाई पेमेंट्स जोड़ा हम से क्रेडिट साइड रे आम देखा
तापर पुण कौन कही आज वेल आज बाय चेक्स एंट्रोड इन द कलम क्रेडिट साइड कंट्रा एंट्रीज बिटवीन कैश एंड बैंक आर एलिमिनेटेड। देखो ये कंट्रा एंट्री आम जो कैश बुक होता है ये कंट्रा एंट्री आम किसी किसी रेकर्ड करूना। ओके तो ये गोटे कलम आम प्रिपेरेसन करूँ जो भाई प्रिपेरेसन होता तुम कैश बुक सिंगल कलम किंतु सिंगल कलम रे कैश बैंक ट्रांजेक्शन आम एंट्री करू नथिले किंतु एथिरे कौन होची कैश बैंक दुटा जाक ट्रांजेक्शन किसी भी हेड रे रिसीव होगा मैंने जो भी रिसीप्ट होता है रेकर्ड को नौकरी। ओके गला तापर नेक्स्ट यूजुअली टी बिगिन्स विथ ए डेबिट बैलेंस कौन ये तो नॉर्मली कौन करे ना डेबिट बैलेंस आरंभ हुए मैंने कैश बैलेंस कि बैंक बैलेंस ओपनिंग रु थिबो किंतु क्रेडिट बैलेंस केते बेले रहइबो जदी हमरो बैंक रु किछ लोन फोन एमती अधिक हेइतिबो ताले होय तो क्रेडिट बैलेंस रु भी स्टार्ट हेइ पारे। ओके नॉर्मली किंतु हमरो डेबिट बैलेंस रु आरंभ हुए किंतु जदी मन कर बैंक रु लोन अधिक अछि हमर जति कि एक्चुअली हमर पाखरे टंका तारो अधिक बैंक रो बैलेंस अछि हम तारो अधिक टंका लोन करिबो के जेंती ताले कोन होछि ताले हमर सेटा ओवरड्राफ्ट बोले हम ताको गणु चोंती। ओके इट रेकॉर्ड ओनली एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड पेड बढ़िया जिनस एक्सपेन्सेस इज आउटस्टैंडिंग एंड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज नॉट रेकॉर्डेड तमन मुं कोन कहली रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट ता तुम होची फॉलो करूची कोटा कहला कैश बेसिस अकाउंट को माने जो सिस्टम ऑफ माने अकाउंट्स रे हम पढ़ीतिले ना गुटे कैश बेसिस एट अक्रुअल बेसिस तो एठरे एटा होची कैश बेसिस सिस्टम ता फॉलो करा होची कोथरे रिसीप्ट पेमेंट रे इनकम एंड एक्सपेंडिचर रे हम एडजस्टमेंट करबा जो तुमरो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये सब जिन एडजस्टमेंट कौन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रे। ओके दिस अकाउंट रेकॉर्ड द कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर वेदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर नेक्स्ट ईयर एथिरे सबुडा रेकॉर्ड को जीवो किछि भी रिसीप्ट हेछि मने करो के जने माने हमर मेंबर जो सब्सक्रिप्शन विषय कहते लास्ट ईयर दे नथिला एबे देला सेटा भी ए वर्ष पड़ो रिसीप्ट रे देखिबा किंतु एरियर एई वर्ष रिसीव हे एई वर्ष अमाउंट एई वर्ष रिसीव हेला बले मेंशन कर दउछन्ति पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनटा जकर को माने हेड रे को भी हेड रो हमर जदी एई वर्ष माने करंट ईयर रे रिसीव हेची सेटा रेकॉर्ड को हमें नउछन्ति। ओके गला लिमिटेशन कोन नेगेटिव पॉइंट कोन अछि एते इंपोर्टेंट नहि एको फिर भी तमे पढ़ी दबो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस सिस्टम हमें पढ़ी सारछन्ति ऑलरेडी जानि सैलेनी मु तो कहल ना डाउट लूप होल माने जेले नेगेटिव बैलेंस सेटा इट रेकॉर्ड नॉट ओनली द एक्सपेंसेस इनकम ऑफ द करेंट ईयर बट ऑल्सो द पास्ट फ्यूचर एंड एक्सपेंसेस केवल करेंट ईयर थ्रे नुहे सबुटा रेकर्ड हो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गला इट रेकर्ड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट मिक्स होती कौटा रेवेन्यू कौटा कैपिटल तुमको पुणी आइडेंटिफाई करार अच्छे एटा रेवेन्यू रिसीप्ट एटा कैपिटल रिसीप्ट। ओके बुझे सारे से इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग द पोस्टिंग नॉट डन ऑन द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट तो आमर तो एमती लेजर अकाउंट मैंने जो कंपलसरी तो नुहे फिर भी आम कौन कर डबल एंट्री सिस्टम रे गोटे पार्ट नुहे फिर भी आम कौन कर रेकर्ड करूँ बालान्स सीट कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली कहे केवल यही अकाउंट को देखिक आम बालान्स सीट प्रिपेरेसन करना रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट देखिक केवल बालान्स आम बालान्स सीट प्रिपेरेसन करना से आमको एडिशनल इनफर्मेसन भी दरकार पड़ू। ओके गला तापर डिफरेंस ये बहुत इंपोर्टेंट जो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी जानि सारे तुम्हें जितकी मुझे पढ़े आसिले भितर सब जिन डिस्कस कर सारे इट इज प्रिपेयर ऑन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एटा को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेरेसन करुच्छे क्रोनोलॉजिकल ऑल द कैश ट्रांजेक्शन आर रेकॉर्डेड ऑन डेट वाइज ट्रांजेक्शन आर नॉट रेकॉर्डेड ऑन डेट वाइज इन दिस अकाउंट रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट में किसी भी हो पड़ पार डेट वाइज पड़ू कि जमी मिक्स पड़ो कि आम कैश बुक सब डेट वाइज पड़ूगा समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑल कैश ट्रांजेक्शन रेकॉर्डेड इन द डिटेल्ड इन मैनर एंड नॉट इन द समराइज्ड फॉर्म डिटेल मैंने देख डिटेल फॉर्म रे आमर जोडा रेकॉर्ड होची कैश बुक रे आमे तार नरेशन मेंशन करूथले कैश बुक रे इट इज ब्रीफली समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ द होल ईयर। ओके एतरे पूरा होल ईयर आमे रेकॉर्ड करचोंदी गला डबल एंट्री सिस्टम इट इज इन इंपोर्टेंट सब्सिडरी बुक एटा सब्सिडरी बुक रे अंडर रे थिला तेनकरी पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कोडा कैश बुक टा किंतु नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रो जो आम रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट एटा तुम्हारे डबल एंट्री सिस्टम रे नाही तो इट इज पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स बट नॉट इन द मेन पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग अंडर डबल एंट्री सिस्टम फाइनल अकाउंट्स अंडर आम रखुं किंतु एटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट नुहे हेड वाइज रेकॉर्डिंग द कैपिटल एंड रेवेन्यू ऑलरेडी बुझे सारी से भी होता आइटम आर रेकॉर्डेड आज एंड व्हेन द रिसीप्ट आर पेड
The capital revenue are recorded head wise, and salary paid for each month will be classified under the head of a salary and recorded once only on the payment side. बुझे ए डेट वाइज रेकर्ड होनी एथेर टोटल सैलरी जितिक है सेडा गुटे जगह लिखि देले बुझे होची एथेर किंतु कैशबुक रे कोन होतला डेट वाइज जो डेट रे जो ट्रांजैक्शन रहै छै से अनुसार रेकर्ड करथले ओके एथेर सेडा टोटल टा नै कि डायरेक्ट एंट्री जेमिति लेजर रे हम कर दउथले लेजर रु बैलेंस नै कि जेमिति ट्रायल बैलेंस रे एंट्री कर दउथले टोटल टा को किबा बैलेंस टा को तो एथि सेइ भलिया ओके गला स्टेप्स टू प्रिपेयर रिसीट पेमेंट अकाउंट ये जरूरी ना या पढ़िया किसी दरकार ना स्टेप्स या फास्ट रू ओपनिंग बैलेंस को मेंशन कर तुम डेबिट बैलेंस थी पारे और क्रेडिट बैलेंस थी पारे तो ये तो छाड़ तुमको पढ़ी दे पार तापर मु देखा डायरेक्ट ये सब जिन अननेसेसरली तुम देख जी देख ये तो है रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट विषय में पढ़ीदे ओके रिसीप्ट पेमेंट रे आम गोटे कनसेप्ट दुटा मेन कनसेप्ट हो रहा फास्टा कौन जिते भी रिसीप्ट हो कैपिटल रिसीप्ट हो कि रेवेन्यू रिसीप्ट हो मैंने डेबिट साइड पड़ू आउ मैंने लेफ्ट हैंड साइड में देखा राइट हैंड साइड में देखा कौन जिते भी सब पेमेंट्स होते सब पेमेंट्स हो कि भी हेड्रे पेमेंट होता है तो आम राइट हैंड साइड देखा ओके तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पुणी कौन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से विषय में आम डिस्कसन करवा देख पिले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जमी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो पीएल अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डिटो सेम प्रोसेस रे एठी होउजी कोन पूरा 100% सेम प्रोसेस तो सेम किंतु बाकी तो ट्रांजेक्शन टिके डिफर करिवो तो एठी कोन होबो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होउजी कार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रो जोटा कि आमे कंपेयर करि परबा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सहित ना होउजी प्रॉफिट लॉस अकाउंट सहित ये जमी उपरे देखिक आसा ना रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट को कंपेयर करते क्या सहित कैशबुक सहित सिमिलर तो ये हूँ कौन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचरटा पीएल अकाउंट सहित ओके तो ये सिंपल फॉर्मेट तुम्हें पढ़ी पार उपरे जहाँ लिखी आउ रिसीप्ट पेमेंटा रियल अकाउंट जाता यहाँ हूँ नॉमिनल अकाउंट सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैंने तो नॉमिनल ही रही निश्चित तो ये डेबिट साइड जोटा हूँ तुम एक्सपेंडिचर साइड आउ क्रेडिट साइड हूँ इनकम साइड देखो आमे जो रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट प्रिपेरेसन कले से सब ट्रांजेक्शन मिक्स हो पड़ा कैपिटल मैंने एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन हो कि रेवेन्यू कैपिटल रेवेन्यू दुटा जाक ट्रांजेक्शन से जाऊला ओके रेवेन्यू रिसीप्ट कैपिटल रिसीप्ट रेवेन्यू पेमेंट्स कैपिटल पेमेंट सबुटा जाता है भितर किंतु इनकम एंड एक्सपेंडिचरटा केवल करेन्ट इयर परफॉर्मेंस का मेजर करने को खाली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन सब जो एपट साइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब पड़ो एपट साइड सब रेवेन्यू रिसीप्ट सब पड़ो ताने कैपिटल रिसीप्टा या भितर जीवन जो रेवेन्यू रिसीप्ट मैंने कौन से सब इनकम तो सेटा पड़ो किंतु कैपिटल रिसीप्टा भितर जीव ना एपट साइड से कैपिटल एक्सपेंडिचर जोटा एपट साइड लेफ्ट हैंड साइड जीव ना ताने आम को क्वेश्चन रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट दे जो भी ट्रांजेक्शन से भितर आम खोजा कौटा रेवेन्यू कौटा कैपिटल तो आनी खोजिकी कौटी पकेबा आमर जब एक्सपेंडिचर हो रेवेन्यू साइड रेवेन्यू लेफ्ट हैंड साइड बा डेबिट साइड रे पड़ो आदि इनकम हो क्रेडिट साइड रे पड़ो ओके ताने सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट सब मानने टेक्निकाल देखा गले इनकम तो सेटा सब या भितर जीव ओके तो ये तुम देखिपार ये सब सैलरी आम तो उपरे देखिक आस रिसीप्ट पेमेंट सब गुड़ा बुझिकी सैलरी रेंट एंड टैक्सेस रिपेयर रिन्यूअल्स रिप्लेसमेंट चैरिटीज ये सब हूँ देख रेवेन्यू ट्रांजेक्शन गुड़ाक एपट साइड सब रेवेन्यू रिसीप्ट हो रेवेन्यू रिसीप्ट रेवेन्यू रिसीप्ट मैंने कौन डोनेशन रिसीप्ट सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट मेम्बर मैंने जोटा कंट्रीब्यूट करते एनुअली एंट्रेंस फीस डोनेशन रिसीप्ट रेंट रिसीप्ट डिविडेंड रिसीप्ट यदि ऑर्गेनाइजेशन अन्य कोटी इन्वेस्टमेंट करती डिविडेंड मिले ओके इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोसीड फॉर लेक्चर्स जिते सब रिसीप्ट तुम रेवेन्यू रिसीप्ट एक तुम भलसे देखी दे पार तो ये गुड़ा कौन हम तुम रिसीप्ट साइड मैंने इनकम साइड रे पड़ो ओके गला तापर लास्ट रे कौन हम एटा है इनकम साइड बुझे जो राइट हैंड साइड टा कौन इनकम साइड आउ लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंडिचर साइड यदि राइट हैंड साइड इनकम साइड जब अधिक होगा क्या ठारू ना तुम एक्सपेंडिचर साइड ठारूल जैक अधिक होगा सामान करने लिखा कौन सरप्लस ओके से भाया जदि एक्सपेंडिचर साइड मनकर लक्ष्य हो एक्सपेंडिचर साइड मनकर लक्ष्य है इनकम साइड सेटा मनकर 75,000 होती डिफरेन्सेसटा जोटा आसवे कौन सर्टेज से पड़ो कौन तुम ना हो
कौन बाय डेफिसिट लिखिक आम पकेबा ओके ताले डेफिसिट आ गोटे सरप्लस सरप्लस केत जो क्रेडिट साइड अधिक हम आ जो डेबिट साइड अधिक हम से डेफिसिट रिजल्ट आसीबो ओके गला तो ये है तार फॉर्मेट तापर एसेंशियल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फास्ट तो ये लिखा कौन फास्ट मेनसन कौन अच्छी इट इज ए नोमिनाल अकाउंट इट रेकर्ड ऑल रेवेन्यू नेचर तमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब जा कैपिटल रिसीप्ट रेवेन्यू पेमेंट या भितर जीवनी ने कैपिटल पेमेंट्स या भितर जीवनी इट रेकर्ड ऑल रेवेन्यू लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ऑलरेडी बुझे सारी इट डज नॉट रेकर्ड दोज आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम व्हिच डू नॉट रिलेट टू द करंट ईयर देखो तुम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटा केवल करंट ईयर परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करने कर सरप्लस और डेफिसिट कौन रिजल्ट आस देखा ओके तो ताकि आम कैपिटल ट्रांजेक्शन तो नबानी केवे भी नबानी तापर एटी लिखी देख कौज इट इज अल्सो रेकर्ड नन क्याश आइटम्स मैंने डेप्रिसीएसन ये सी तमें से कहला ना जो तुम जो आम कौन आक्चुरल बेसीस जो नन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौ सिस्टम टा फॉलो कर आक्चुरल बेसीस कहीं क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रेकर्ड को जाऊँ इफ इट क्रेडिट साइड हायर अलरेडी मुझे कही सारे क्रेडिट साइड अधिक है सरप्लस आदि डेबिट साइड अधिक है डेफिसिट ओके डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये भी इंपोर्टेंट आउ रिसीप्ट पेमेंट कैश बुक सहित कंपेरिजन होता आउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या सहित कंपेयर होता तुम प्रॉफिट लॉस अकाउंट सहित ओके बस एति पर्यंत आमर पढ़ाला तापर डिफरेंसेस टू आम नेक्स्ट क्लास रे अपलोड करवा थियोरी दी तीन टा क्लास हो जाऊ बरंग आम तक धीरे धीरे अपलोड करा नवा ओके आउ वीडियो को लाइक कर चैनल को यदि सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करके थैंक यू।